ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुखीयमामृतात। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 13 अगस्त की बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित करके बृहस्पति के सम्मुख अष्टम भाव में जा रहे हैं। कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट, नया कुछ रास्ता बनने के योग बन सकते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा बंधन रहेगा। रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा भाव ऐसा रहेगा कि बंद बंद के काम करना पड़ रहा है। देखिए, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को खुल के काम करने की ज़रूरत है। हिम्मत जगाइए, मंगल की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये श्रेष्ठ उपाय है। रवि योग है जो करीब करीब 10:47 से आरंभ होगा। नए कार्यों का आरंभ करने का योग उसके बाद बन जाएगा, लाभ लीजिए। 14 तारीख के दिन बात करें, बुधवार का अवसर, नवमी तिथि है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो करीब करीब 12:15 बजे तक रहेगा। वैसे तो बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन उससे पहले पहले सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, वो अच्छा है आपके लिए। 12:00 बज के करीब करीब 12:15 के बाद तो राहु काल भी आरंभ हो जाएगा, तो उससे बचिएगा। यदि कार्य कोई आरंभ करना है तो 12:15 तक कर सकते हैं। नया कुछ खरीदना है, व्यवसाय के लिए काम शुरू करना है तो अच्छा योग है सर्वार्थ सिद्ध योग जो करीब करीब 12:15 बजे तक बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अनुकूल दिखाई देता है समय, ओवरऑल अच्छा है। आप उसमें एकत्रित धन का एकत्र कर सकते हैं, सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं, आगे पॉजिटिव चेंजेस बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप जिद पे ना अड़ें, अपने जिद को त्यागने का प्रयास कीजिए। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का स्तवन करते हुए कार्य करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। बुध अस्त चल रहा है तो उसके लिए उपाय हमने पहले बता दिया, भगवान गणेश पर दूर्वा अंकुर अर्पित करें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है, उसको मत छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखें। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना। बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि के साथ योग बन रहा है, धनु में चंद्रमा जाने वाले हैं दोपहर के बाद, ये आपके अंदर धर्म का उदय करने के योग बनाएंगे। 2-3 दिन अच्छा मनोमस्तिष्क में धार्मिकता भाव रहेगा, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। रवि योग विद्यमान है इस दिन, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता है। करीब करीब दोपहर को 1:45 बजे तक ये ग्रह योग है, नया कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी घरों में यदि नया बालक कोई जन्म ले रहा है, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र 15 और 16 तारीख के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अवश्य मूल शांति अवश्य माँ बाप को करानी चाहिए, नहीं तो बच्चा पूरे जीवन कष्ट होने के योग रहते हैं। और एक बात और, हम कई बार हम बताते हैं, आजकल डिजाइनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट चल गया है। बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट रख देते हैं, जैसे 15 अगस्त कहते हैं डिलीवरी करा दीजिए, तो उसमें बच्चों ज्योतिषियों से जन्मपत्री चार्ट बनवा लेते हैं कि भैया इस टाइम पर डिलीवरी करा लेंगे तो बच्चा अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है और वो मूल शांति नहीं कराई तो फिर बच्चा पूरे परिवार के लिए भारी पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 16 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि, सावन की सुंदर एकादशी का सुंदर योग है और साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। पंचम भाव, विद्या बुद्धि का भाव, यहाँ पर बुद्ध का पदार्पण पहले से शुक्र के साथ विराजमान है और साथ साथ सूर्य का योग भी बनना, ये 3 ग्रहों योग जो है ये आपके लिए अच्छा है, ओवरऑल अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके विचारों में नया परिवर्तन आने का योग बन सकता है, सूर्य को लगातार शक्ति देने की आवश्यकता है। लेकिन बुध जो अस्त चल रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बुध का जो अस्त होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी कर सकता है विचारों में, सही समय पर सही विचार याद नहीं आएगा, तो इसके लिए हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में एक उपाय बताया था, भूल गए हो तो दोबारा गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, ये ध्यान रखते करिएगा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख की हम बात करें, शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और त्रयोदशी जो आएगी वो अगले दिन सूर्योदय से पहले अस्त हो जाएगी, इसके कारण से ये तिथि क्षय तिथि की, ये दिन जो है क्षय तिथि का दिन हो गया। त्रयोदशी शनिवार के दिन त्रयोदशी द्वादशी का योग, लेकिन त्रयोदशी क्षय, तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए बिल्कुल दिन अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन शनि प्रदोष का योग बन गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि प्रदोष का योग और साथ साथ मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए अच्छा कहीं लाभ के रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। शाम के बाद तक तो अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन शनि प्रदोष जो है ना वो सबसे श्रेष्ठ है। इन दिनों नवंबर तक शनि चल रहे हैं विशेष तौर पर वक्री, तो ऐसे में ध्यान रखें शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। और शनिवार के दिन प्रदोष का योग बन गया है तो शाम के समय तेल के द्वारा या तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, भगवान शंकर का,
का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा करना, ये शनि के तमाम दोषों को यदि इस दिन कर लिया तो आने वाले 3 महीने तक जो शनि वक्री चल रहे हैं उसके लिए श्रेष्ठ काल रहेगा, उपाय अच्छा रहेगा, करने का प्रयास कीजिए भगवान की कृपा से, करिए या करवाइए। ये बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं हम आपको। आमतौर पर लोग उपायों के नाम पर बहुत सारी विचित्र विडंबनाएं टोटकों में फंस जाते हैं, ये वैदिक जो शास्त्रों में उपनिषदों में जो रास्ते बताए गए हैं पुराणिक मत से वो सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि आप पुराणों को मत पढ़ेंगे, अग्नि पुराण पढ़ेंगे, अनेक पुराण पढ़ेंगे तो उसमें जो उपाय बताए गए हैं वेद मंत्र के द्वारा वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उन्हीं को करने का प्रयास करना चाहिए। 18 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उद्यातिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर डाल रहे हैं अपनी नज़र और ये सफलता का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में अच्छा आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आप भगवान सूर्य को और प्रसन्न करें, सूर्य को अर्घ्य दें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय। नमक का दान करें, सूर्य पंचम भाव में बैठकर आपके लिए अच्छा बैलेंस योग बना रहे हैं, बढ़िया योग बना रहे हैं। 19 तारीख सोमवार का योग है और इस दिन राखी का सुंदर पर्व है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। भद्रा करीब करीब 1:30 बजे तक रहेगी। यहाँ हम पूर्णिमा का साथ साथ योग बन रहा है, सत्यव्रत का योग बन रहा है, सावन का 5वां सोमवार, सावन का सुंदर महीना, इस बार बड़ा सुंदर योग लेके आया। श्रवण नक्षत्र से आरंभ होकर श्रवण नक्षत्र तक योग, सोमवार से आरंभ होकर सोमवार तक का योग और 5वां सोमवार का योग पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो चंद्रमा और शनि की युति भी साथ साथ होने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर दिन में पड़ती दिखाई दे रही है, बहुत शुभ योग है आपके लिए और ऐसे में इस शुभ योग को और सुधार करने का प्रयास करें। भाई बहन का सुंदर त्यौहार है लेकिन कई लोगों ने उस भाई बहन के त्यौहार पर कुछ विचित्र विडंबनाएँ उत्पन्न कर दी हैं, भद्रा का दोष लगा दिया है। भैया राखी पर भद्रा का दोष नहीं लगता, श्रावणी पर भद्रा का दोष जरूर देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। श्रावणी मत के अंदर जहाँ उपाकर्म जनेऊ परिवर्तन का योग, जब सप्तऋषि पूजन का जहाँ कार्य किया जाता है वहाँ श्रावणी का दोष लगता है, लेकिन राखी एक रक्षा सूत्र बांधने का पर्व है। आवश्यकता के अनुसार जब आवश्यकता हो तो वहाँ भद्रा का देखने की जरूरत नहीं है, इस सब मामलों में ये एक परंपरागत त्यौहार है, परंपरा है, इसमें विशेष तौर पर हमें करने का प्रयास करना चाहिए, इस बात को ना फंसें। बहुत सारे लोगों ने समाज में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, हम उसको यहाँ निदान दे रहे हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से आपको बता रहे हैं, तो अच्छा रहेगा, करने का कार्य करें अच्छा रहेगा। सावन के 5वें सोमवार के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा शिवलिंग का भगवान का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, आप भी अपने नाम से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 20 तारीख को मंगलवार का अवसर और मास परिवर्तन का योग बन रहा है, भाद्रपद मास आरंभ हो रहा है प्रतिपदा तिथि के साथ और इस दिन सुंदर बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है। मृगशिर नक्षत्र के प्रथम चरण में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं और मंगल से आगे हो रहे हैं, मंगल को आगे कर दिया है, बृहस्पति पीछे हो रह गए हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग है। इसके कारण से आने वाले कुछ दिनों में बृहस्पति का और मंगल की युति का असली लाभ आपको देखने को मिलेगा, आपके विशेष तौर पर सेविंग्स बढ़ने के रास्ते बन सकते हैं, कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति बन सकती हैं, विचारों में नया परिवर्तन आ सकता है और सबसे अच्छी बात धन लाभ के रास्ते कहीं ना कहीं प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योग आयोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीजों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योग आयोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं अंतरदशाएं जो जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ, गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे, गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे समझते हुए देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है, आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।